हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी जस्ट बाज़ार से। दोस्तों, अभी हम राधा रानी भोजनालय वृंदावन के सामने खड़े हैं। और राधा रानी भोजनालय जब आप वृंदावन से एक्सप्रेसवे की तरफ आएंगे तो लेफ्ट हैंड पे एक रेस्टोरेंट पड़ता है, ढाबा है, रेस्टोरेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन है इसकी। जब आप वृंदावन से आएंगे, आप राइट लेते हैं, दीवाना की तरफ मुड़ते हैं तो लेफ्ट में राधा रानी भोजनालय है। बहुत अच्छी लोकेशन है, अक्सर यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि फ़ोटो में चूल्हा रोटी है, मक्के की रोटी, सरसों का साग है। और सर्दियों में चूल्हे की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाने का आनंद ही अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और अक्सर यहाँ भीड़ रहती है। क्यों? इसका जीता जागता उदाहरण ये कि यहाँ का खाना अच्छा है और सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ के जो स्टाफ है और ओनर हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। हमने कई बार मतलब आनंद लिया है अच्छे भोजन का यहाँ पर, और चाय की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं, वृंदावन में हैं, कभी वृंदावन आपका चांस लगता है और आप प्रेम मंदिर आते हैं, बांके बिहारी दर्शन करने आते हैं, तो आप एक बार राधा रानी भोजनालय आएँ और अच्छे भोजन का आनंद लें। और गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप राधा रानी भोजनालय आते हैं तो आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बिल के ऊपर। जो भी बिल बन के आए, बिल देते समय आप जस्ट बाज़ार का नाम बताइए और 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, राधा रानी भोजनालय आप ज़रूर पधारें एक बार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।